दोस्तों आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेद की गुग्गुल कैटेगरी की मेडिसिन अमृत आदि गुग्गुल के बारे में। आयुर्वेद में यह मेडिसिन इंडिकेट की गई है वात रक्त की समस्या में, उसके अलावा स्किन रिलेटेड दुष्ट व्रण की समस्या में और बहुत सारे रोगों में। वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूंगा किस तरह की मेडिसिन यह रहती है, क्या इसके मुख्य बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, क्या इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, कितनी मात्रा में, कब और कैसे इसका सेवन आपको करना चाहिए, क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए और इससे जुड़े हुए दूसरे पहलुओं के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इस मेडिसिन के साथ में इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास में रखी है एक डिब्बी जिसमें कुल मिलाकर के 60 टैबलेट्स भरी गई हैं। फिलहाल धूत पापेश्वर कंपनी की यह अमृतादि गुग्गुल मेरे पास में रखी हुई है। बाकी मार्केट में आपको बैद्यनाथ, डाबर, ऊंझा, ज्वाला, अथर्व जैसी फार्मेसीज की अमृतादि गुग्गुल अवेलेबल हो जाती हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इस मेडिसिन के मुख्य इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का नाम है अमृता आदि गुग्गुल। अमृता बोला गया है आयुर्वेद में गिलोय को, तो गिलोय इसके अंदर प्रमुख इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज की जाती है। गिलोय के साथ में गुग्गुल का यूज किया जाता है और त्रिफला चूर्ण के घटक द्रव्य अर्थात आंवला, हरड़, बहेड़ा इसके अंदर मिलाए जाते हैं। उन सब के अलावा दंती मूल, पीपल, सौंठ, काली मिर्च, वायविडंग, दालचीनी आदि का प्रयोग किया जाता है। तब इस मेडिसिन को पाक करके गुग्गुल का उसके अंदर मेडिसिन के पाउडर मिला करके टैबलेट्स बना ली जाती हैं। तो ये इसका मुख्य फॉर्मुलेशन रहता है। लगभग एक दर्जन से ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। बात करें इस मेडिसिन से मिलने वाले मुख्य फायदों के बारे में, तो फ्रेंड्स यह मेडिसिन सबसे प्रमुखता के साथ में यूज़ की जाती है वात रक्त के रोग में अर्थात गाउट की समस्या में। गाउट को दूर करने के लिए, गाउट को ट्रीट करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन के तौर पर अमृता गुग्गुल आयुर्वेद में ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर जानी जाती है। उसके अलावा कुष्ठ अर्थात लेप्रोसी के रोग में व्रण आदि हो जाते हैं, जख्म, गहरे जख्म हो जाते हैं, नासूर बन जाते हैं, ऐसी समस्याओं में इस अमृतादि गुग्गुल का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अर्श, बवासीर की समस्या में भगंदर बन जाता है, इस कंडीशन में भी अमृतादि गुग्गुल काफ़ी अच्छे तरीके से आपको लाभ पहुंचाती है। यह मेडिसिन पाचक अग्नि को भी प्रबल बनाती है। जिन लोगों को भूख कम लगती है तो इसका सेवन करने से भूख भी थोड़ा खुलकर लगने लगती है। उसके अलावा डायबिटीज़ के रोगी भी इसका सेवन कर सकते हैं और साथ ही डायबिटिक कार्बंकल्स की समस्या जिसको प्रमेह पीड़ी का बोल दिया जाता है उनके लिए भी यह मेडिसिन काफ़ी अच्छी रहती है। आमवाद की समस्या में भी काम करती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका सेवन करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यह तो रहते हैं इसके कुछ मुख्य बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इसकी डोजिंग के बारे में। तो आयुर्वेद के साहित्यों में इस मेडिसिन की डोजिंग के लिए लिखा गया है कि एक कर्ष अर्थात 12 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए, लेकिन आजकल काल के प्रभाव से पाचक अग्नि इतनी प्रबल नहीं है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में इसको जो है कंज्यूम किया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में इसको मैक्सिमम 1 से लेकर 2 ग्राम तक की मात्रा में दिया जाता है। अदरवाइज टैबलेट इसकी लगभग 300 मिलीग्राम की रहती हैं, तो 300 मिलीग्राम की 2 टैबलेट दिन में 2 बार इसका सेवन करना सफिशियंट रहता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको उससे मिल जाता है। इसको सेवन करने के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप गिलोय के रस के साथ में अथवा आंवले के रस के साथ में इसका सेवन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ताजे पानी, गुनगुने पानी के साथ में सेवन कर सकते हैं। यदि कम आयु के बच्चों को इसको देना है तो लगभग 1 गोली की मात्रा में दिन में 2 बार दें और 5 साल से छोटे बच्चों को देने से पहले 1 बार अपने डॉक्टर से आप परामर्श जरूर कर लीजिएगा। बात करें इस मेडिसिन के सेवन काल में कुछ सावधानियों के बारे में, तो फ्रेंड्स सावधानी मुख्य रूप से आपको यह रखनी है, चूंकि यह मेडिसिन वात रक्त की समस्या में काम आती है, आपको पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन नहीं करना है। ऐसी चीज़ें नहीं खानी हैं जिनसे बॉडी के अंदर एसिडिक रिएक्शंस बढ़ें। बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी आपको नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है और आउटसाइड फूडिंग और मैदा की बनी हुई चीज़ें आपको पूरी तरह से छोड़नी होती हैं। अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आपको हल्का फुल्का व्यायाम नियमित करते रहना चाहिए। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यह तो रही कुछ बेसिक जानकारी इस अमृतादि गुग्गुल के बारे में। अब बात करें कि इस मेडिसिन की प्राइसिंग कितनी होती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास में धूत पापेश्वर कंपनी की अमृतादि गुग्गुल रखी है जिसके अंदर कुल मिलाकर के 60 टैबलेट इस पैकिंग में है। इसकी कीमत 119 रुपये फिलहाल मेंशन की गई है। अलग अलग कंपनी की अमृतादि गुग्गुल के रेट में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। बाकी आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर से, आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से बहुत आसानी के साथ में यह अमृतादि गुग्गुल आपको मिल जाता है
ऑनलाइन भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने के लिए एक दो अच्छी कंपनी के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ अमृता दी गुग्गुल के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक करके इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपने कभी इस मेडिसिन का सेवन किया है तो कैसे इसके रिजल्ट रहे, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आप फीडबैक के तौर पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुँचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।